नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक नई कविता का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। हिज लाइफ स्पैन इज 1872 to 1902। यह पोएम जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है, जिनका जीवन काल 1862 से लेकर 1902 तक है। मित्रों, यह कविता हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये परेशानियां हमारी शक्ति का विकास करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, जो हमारी वास्तविक शक्तियों को दर्शाती है तथा जिनका पता हमें केवल बाहरी परेशानियों के आने पर ही चलता है। महान लोग वे हैं जो अपने जीवन की कठिनाइयों का पूरे साहस से सामना करते हैं और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। कविता यह भी दर्शाती है कि हमारी आत्मा दिव्य है। आत्मा की आवाज द्वारा ईश्वर हमसे जुड़ते हैं। वह आगे कहते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा ये हमारे कौशलों को अधिक मजबूत करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में कुछ भी परेशानियां आती हैं, हमें हमेशा अपनी आत्मा का ही अनुसरण करना चाहिए, अर्थात हमें वही करना चाहिए जो हमारी आत्मा कहे। आए मित्रों, इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। पेन देना तो कह रहा है कि द वाउंडेड स्नैक इट्स अ फूड अनफल द फ्लेम स्टीड अप डथ ब्लेस द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हॉट स्टैक लैंस रेज। इसमें कह रहा है कि इसको पहले एक बार पूरा है, इसका हिंदी अर्थ बता दें। इसमें कह रहा है कि घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है, यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उसमें लपट भड़क उठती है, और जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। मित्र, इसका अध्ययन करते हैं लाइन वाइज। कि द वाउंडेड सोल्जर, वाउंडेड होता है घायल, स्नेक सर्प, फूड मीन्स होता है फन, और अनफल मीन्स होता है खोलना फैलाना। पोएट कहता है कि द वाउंडेड स्नेक घायल कर, जिस प्रकार घायल सर्प इट्स हुड अपने फन को अनफल फैलाता है, द फ्लेम, फ्लेम मीन्स लव होती है, आग की लव, और जिस प्रकार आग की लव स्टीड अप, स्टेप में होता है उकसाना, हिलाना या उकसाना, कह द फ्लेम जिस प्रकार आग की लव स्टीड अप उकसा देने पर डथ ब्लेज, ब्लेज मीन होता है आग की लपटें, आग के लपटों में जलने लगती है या लव के रूप में जलने लगती है। कह कि जिस प्रकार घायल शेर इट्स हुड अनफल अपने फन को फैलाता है, द फ्लेम, और आग जो है स्टीड अप उकसा देने पर डथ ब्लेज, लपटों के रूप में जलने लगती है। द डिजर्ट, जिस प्रकार डिजर्ट एयर रेगिस्तानी हवा रिसाउंड, रिसाउंड प्रतिध्वनि करना, रिसाउंड द कॉल आप हॉट स्ट्रैक लाइन, हॉट स्ट्रैक का मतलब अत्यधिक घायल शेर, और रेज का मतलब होता है क्रोध। कराए कि जिस प्रकार द डिजर्ट एयर रेगिस्तानी हवा रिसाउंड प्रतिध्वनि करती है, द काल ऑफ हॉट स्ट्रक लैंस रेज, एक क्रोधित और घायल शेर की दहाड़ की, मतलब तो जिस प्रकार एक क्रोधित और घायल से जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल गूंजने लगता है। फिर कह रहा है कि द क्लाउड, कह रहा है कि बादल पुट्स फोर्थ, पुट्स फोर्थ का मतलब होता है उड़ेलना या प्रस्तुत करना, प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है या प्रस्तुत करना या उड़ेलना, जिस प्रकार बादल जो है पुट्स इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, डिल्यूज मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा, इसका मतलब है बाढ़, बाढ़ या वर्षा, और स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति। व्हेन जब लाइटनिंग बिजली क्लेप्स, क्लेप्स मीन्स होता है चीर देना, इट्स ब्रेस्ट माने ब्रेस्ट मीन्स होता है छाती। व्हेन द सोल, सोल मीन्स आत्मा, इज स्टीड टू, स्टीड मीन्स होता है छेड़ देना या जागृत करना या झकझोर देना, टू इनमोस्ट डेप्थ, इनमोस्ट डेप्थ का मतलब अत्यधिक गहराई तक, ग्रेट वन महान लोग अनफोल्ड देयर बेस्ट, अनफोल्ड में प्रदर्शित करते हैं देयर बेस्ट अपने सर्वश्रेष्ठ को, मतलब अपने सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन करते हैं। एक बार पूरा इसको बता दूं, होल सोल, इसका क्या अर्थ होगा, इसमें क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है, जब आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है
तो महान महान लोग अपने सर्वश्रेष्ठ का उद्घाटन करते हैं, अर्थात अपने महान लोग अपने सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन करते हैं। आई लाइन वाइज बताता हूँ, कह रहा है कि द क्लाउड जिस प्रकार बादल पुट्स फोर्थ उड़ेल देता है इट्स डिलग स्ट्रेंथ बाढ़ के रूप में अपनी शक्ति को, व्हेन जब लाइटनिंग बिजली क्लेप्स इट्स ब्रेस्ट इसके सीने को चीर देती है, अर्थात जब बिजली बादल के सीने को चीर देती है तो बाढ़ के रूप में या मूसलाधार बारिश के रूप में यह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। व्हेन ठीक उसी तरह व्हेन जब द सोल आत्मा को, मतलब किसी भी व्यक्ति की आत्मा को स्टीड झकझोर दिया जाता है टू इट्स अनमोस्ट इनमोस्ट डेप्थ उसकी अत्यधिक गहराई तक, जब किसी भी आत्मा को उसकी अत्यधिक गहराई तक झकझोर दिया जाता है या जागृत कर दिया जाता है तो ग्रेट वन तो महान लोग अनफोल्ड देयर बेस्ट, अनफोल्ड में प्रदर्शन करना करेक्ट, तब महान लोग जो है अनफोल्ड देयर बेस्ट अपने सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन करते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनको जीवन की विषम परिस्थितियों ने ही उनकी शक्ति को जागृत किया है, तब जाकर के वह किसी साधारण व्यक्ति से विशेष व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हुए हैं, जिन्हें आज तक हम लोग याद करते हैं, जिनकी जीवनी को हम पढ़ते हैं। नीचे पोएट कहता है कि लेट आइज ग्रो डिम, डिम माने धूमिल होना, ग्रो डिम माने धूमिल होना, कह रहा है कि आंखें धूमिल हो जा रही तो होने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेंट और कान फेंट माने धीमा होना, कान धीमे हो जा रहे हैं तो होने दो, धीमे होने का मतलब कान में सुनाई कम देना, कह रहा है लेट आइज ग्रो डिम आंखें धूमिल हो जा रही है तो हो जाने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेंट और कानों की सुनने की शक्ति जा रही तो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल और मित्रता असफल हो जा रही तो हो जाने दो, एंड लव बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, और प्रेम धोखा दे रहा है तो देने दो, लेट फेट मीन्स होता है भाग्य, इट्स 100 हॉरर्स, हॉरर मीन्स परेशानियां और सेंड मीन्स भेजना, कराए यदि फेट भाग्य जो है इट्स 100 हॉरर्स सेंड सैकड़ों परेशानियां भेज रहा है तो भेजने दो, एंड क्लॉटेड डार्कनेस और एक घना अंधेरा, क्लॉटेड डार्कनेस मतलब घटाटोप अंधेरा अत्यधिक अंधेरा, इसका मतलब होता है कंप्लीट डार्कनेस, कराए कि एंड क्लॉटेड डार्कनेस और एक घना अंधेरा ब्लॉक द वे, ब्लॉक मैंने अवरुद्ध करना, रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है तो कर लेने दो। सपोर्ट ये कहना चाह रहा है कि तुम घबराओ मत, जीवन में चाहे जितना भी परेशानी है लेकिन घबराओ मत, हमेशा उस परमपिता में विश्वास रखो, कराए कि एंड नेचर और प्रकृति जो है वेयर वन एंग्री फ्रोन का मतलब होता है क्रोध में भृक्ति को चढ़ा लेना, कराए कि और यदि प्रकृति भी वेयर वन एंग्री फ्रोन क्रोध में अपनी भृक्ति चढ़ा लेती है टू क्रश यू आउट, क्रश में कुचलना होता है तुम्हें कुचलने के लिए, करा के यदि प्रकृति भी क्रोध में अपनी भुक्ति चढ़ा लेती है तुम्हें कुचलने के लिए तो करा स्टील उस वक्त भी नो माई सोल अपनी आत्मा को जानो, करा कि उस वक्त करा कि आत्मा ये जानो कि यू आर डिवाइन, करे कि यू आर उस वक्त कराया है कि उस वक्त भी मेरी स्टील नो माई सोल मेरी आत्मा ये जान ले कि यू आर डिवाइन तू दिव्य है डिवाइन मिस्टर दिव्य, मार्च ऑन एंड ऑन आगे और आगे बढ़ते रहो, ना राइट न तो दाहिनी तरफ, नॉर लेफ्ट न तो बाई तरफ, बट टू द गोल बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ, इन दोनों लाइनों को फिर से बता दे रहा हूँ। सपोर्ट ये कर रहा है कि लेट आइज ग्रो आंखें धूमिल लेट आइज ग्रो डिम आंखें धूमिल हो जा रही है तो हो जाने दो, ईयर्स ग्रो फेंट कानों की शक्ति सुनने की शक्ति जा रही है तो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल मित्रता अगर धोखा दे रही है तो देने दो, लव बिट्रे प्रेम अगर धोखा दे रहा है तो देने दो, लेट फेट करे यदि भाग 100 हॉरर सेंड सैकड़ों परेशानियां भेज रहा है तो भेजने दो, एंड क्लॉटेड डार्कनेस और एक घना अंधेरा ब्लॉक द वे तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है तो करने दो, एंड नेचर और यहां तक कि प्रकृति भी वेयर वन एंग्री फोन क्रोध में अपनी भुक्ति चढ़ा लेती है टू क्रश यू आउट तुम्हें कुचलने के लिए तो स्टील नो माई सोल तो मेरी आत्मा ये जान ले यू आर डिवाइन तू दिव्य है, मार्च ऑन एंड ऑन आगे और आगे बढ़ते रहो, ना राइट न तो दाहिनी तरफ, नॉर लेफ्ट न तो बाएं तरफ, बट टू द गोल बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ। पोएट इसमें कहना चाह रहा है कि लाखों करोड़ों परेशानियां यदि जीवन में आ रही तो आने दो बस केवल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा करके। धन्यवाद मित्रों।